हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है, इसमें हमने देखिए टॉप 5 ऐसे जोन लिए हैं जिसमें आपका देखिए एवरेज मार्क्स जो है वो कितना आएगा। और उसके बाद देखिए हमने टॉप इसमें 5 आपके डेंजर जोन लिए हैं, जो कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर हैं। तो उसमें आपके जो रो मार्क्स है वो कितने आएंगे, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो आपका सेफ जोन है तो उसमें कितना जा सकता है। और उसके बाद देखिए जो आपके टॉप आपके डेंजर जोन है तो उसमें जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, यानी कि इसमें एवरेज मार्क्स है वो कितना बनना है। और उसके बाद जो आपके दोनों जो हमने जोन को डिवाइड किया है तो उसमें जो आपका एवरेज मार्क्स है वो कितना बनना है। फिर इसके बाद देखिए फेस वाइज जो आपका एग्जाम हुआ था 5 फेस में, तो उसका जो एवरेज मार्क्स है वो यहाँ पर आपका कितना बनना है, तो इस पर देखिए हम पूरी बात करेंगे। और पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें देखिए आपके जो रो मार्क्स है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं जिनका आपका आंसर की के बाद जो रो मार्क्स है वो इसमें देखिए कितना बनना है, तो देखिए 85 से अधिक जो बनना है इसमें देखिए आपका जो परसेंटेज है, यानी कि रिस्पांस मिल रहा है हमें यहाँ पे मिल रहा है ओनली 4%। फिर उसके बाद देखिए आपका 75 से 80 के बीच जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें भी देखिए हमें 4% ही मिल रहा है। और लगभग देखिए आपका 60 से 75 के बीच जो हमें परसेंटेज मिल रहा है वो देखिए यहाँ 11 मिल रहा है। फिर आपका आता है 55 से 65 के बीच, तो लगभग देखिए आपका परसेंटेज जो रो मार्क्स का बनना है ये बनना आपका 23%। फिर आपका आता है 55 या इससे कम, तो देखिए आपका बनना है 58। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर आपका जो रो मार्क्स है वो देखिए हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद देखिए जो आपका परसेंटेज है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जो रो मार्क्स आपका है वो अगर हम नीचे ला रहे हैं तो देखिए आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। हमने 85 से आपका अधिक रखा तो 4% यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। फिर देखिए 75 से 85 रखा तो 4% मिला, लेकिन हमने जैसे ही उसको थोड़ा सा नीचे किया यानी से 65 से आपका 75 देखिए 11% हो गया। फिर उसके बाद देखिए 55 से 65 के बीच हमें रिस्पांस और नीचे देखिए आ गए, तो हमें और भी ज़्यादा रिस्पांस मिला यानी कि 23%। फिर देखिए उसके बाद आपका और भी अगर हम नीचे आ गए तो इसके बाद देखिए 55 या इससे कम, तो लगभग 58%। तो इतना देखिए डाटा जो हम आपको देंगे आज देंगे वो बिल्कुल देखिए ऑफिशियल डाटा ही हम देंगे। और इसमें जो लगभग कितने आपके कैंडिडेट हैं, जितना रो मार्क्स है वो आपका कितना यहाँ पर जाने वाला है। फिर देखिए उसके बाद अगर हम बात करें आपके नॉर्मलाइजेशन की और परसेंटाइल स्कोर की, तो देखिए 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका देखिए स्कोर हुआ था नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें, लेकिन 2019 में देखिए जो आपका इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें देखिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या होता है और उसके बाद जो आपका परसेंटाइल होता है वो क्या होता है, तो इसमें देखिए हम आज पहले इसमें आपको पूरा बताएंगे कि ये आखिर होता क्या, फिर इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहले देखिए आपका आता है इसमें नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन देखें तो आपका क्या होता है, तो जैसे मान लिया कि आपका एक दिन हमने ले लिया, इसमें आपका फर्स्ट डे हमने लिया, तो उसमें जो आपके कैंडिडेट थे यानी कि उन्होंने जो अटेम किया यानी कि पहले दिन जो उनका मार्क्स बनना है आपके कैंडिडेट का, तो फर्स्ट डे अगर हमने देखा तो लगभग यहाँ 80 मार्क्स कैंडिडेट के बन रहे एवरेज मार्क्स, तो 80 मार्क्स यहाँ पर एक एवरेज मार्क्स हमने लिया। फिर उसके बाद देखिए आपका डे सेकेंड आया, तो डे सेकेंड में देखिए जो एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना आपका यहाँ पर 100, तो जो देखिए जो आपका 80 बनना है, तो इससे देख के आपको लग रहा होगा कि जो यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल था वो यहाँ पर आपका कठिन आया, लेकिन उसके बाद जो हमने सेकंड में देखा तो सेकंड में जो आपका एवरेज मार्क्स आया यहाँ पे बनना है 100, ये आपका यहाँ पे बनना है सरल। तो ये दोनों चीज़ हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए, फिर देखिए आपका हो गया यहाँ 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स जो है यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से जो है यही आपका 80 मार्क्स जो है इसी पे देखिए आपका 100% का है, यहाँ पे 100 का आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो आपके 100 मार्क्स बनना है यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो यहाँ पर 80 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पहले दिन देखिए जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उसका यहाँ 80 मार्क्स बना, क्योंकि इसका पेपर जो आपका एग्ज़ाम हुआ पेपर आया
वो आपका कठिन हुआ, लेकिन सेकंड जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे उसका जो एवरेज मार्क्स बना वो बना 100। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ 80 मार्क्स पे या 100 आपका नॉर्मलाइजेशन मान लिया गया। और उसके बाद देखिए जो आपका सेकेंड डे हुआ यहाँ पर 100 यहाँ पर अटैम्प हुआ, तो इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन माना गया वो आपका यहाँ पर 80 माना गया। और उसके बाद देखिए 2018 का देखें तो लगभग 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग आपके देखिए जिनके कैंडिडेट के 55 बन रहे थे उनके बन गए थे यहाँ पे 65 और 70। तो लगभग यहाँ से 10 से 15 नंबर कह सकते 20 से इतने भी नंबर यहाँ 2018 में कैंडिडेट के बढ़ाए गए थे। फिर देखिए आपको नॉर्मलाइजेशन तो समझ में आ गया होगा। फिर देखिए हम परसेंटाइल स्कोर की बात करते हैं। तो जो आपका 2019 में आपकी वैकेंसी आई, अब जो आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, वो देखिए उसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए अगर आपको परसेंटेज आ गया समझ में, तो परसेंटेज में देखिए क्या होता है, एक कैंडिडेट है देखिए उसके 100 में से यहाँ पर जो आपका स्कोर बना मान लीजिए यहाँ 50 आपका, और उसके बाद देखिए दूसरा कैंडिडेट है उसके यहाँ पे बने 25। तो अगर हम इसका देखिए परसेंटेज निकालें तो आपका लगेगा कि यहाँ एक का परसेंटेज हो गया आपका 50% और दूसरे का हो गया यहाँ पे 25%। तो उसके बाद देखिए क्या होगा कि आपका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि जो आपके कैंडिडेट होंगे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में, वो देखिए यहाँ पर आपका जो 50 आ रहा था, ये देखिए आपका जो 50% बनना था, यानी कि जो कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स देखा हमने, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो लगभग आपका 50% बनना था, वही आपका यहाँ पे परसेंटाइल जो बनेगा यही आपका 100% आ जाएगा। यानी कि जो 50% यानी कि आपका मान लीजिए यहाँ पर 70 है, 75 यहाँ पर आपका कैंडिडेट के स्कोर आए, उसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पर अगर परसेंटाइल बनेगा तो यही आपका फाइनली यहाँ पर 100% होगा। यानी कि 100 जो आपका परसेंटाइल गया है वो स्कोर आपका गया है यहाँ पर 75। यानी कि जो कैंडिडेट देखिए होता है ज़्यादा, उसके सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स देखे जाएंगे, सबसे ज़्यादा आपके शिफ्ट में या उस दिन के जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट था उसके सबसे ज़्यादा जिसने सबसे बेस्ट स्कोर किया उसका जो मार्क्स है वो यहाँ पर कितना बनना है। यहाँ पर देखिए हमने 75 लिया तो 75 यहाँ सबसे बेस्ट स्कोर बनना है, तो वही आपका 75 जो है वही आपका 100% हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो आपके नीचे आते, मान लीजिए यहाँ पर हमने 50 लिया, तो 50 में अगर देखें तो यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर बनेगा लगभग अगर हम काउंट करें तो आपका यहाँ बनेगा 66.66। तो इतना यहाँ पे देखिए आपका जो परसेंटाइल है वो यहाँ पर इतना बन गया, यानी कि जो 75 वाला था अगर आपके 75 स्कोर बन रहे हैं तो आपका परसेंटाइल होगा 100। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम नीचे अब देखिए 25 नंबर हमने यहाँ पे कम किया, लगभग आपका 50 हमने लिया तो आपका परसेंटाइल स्कोर बन गया यहाँ पे 66.66। तो लगभग ये आपका परसेंटाइल स्कोर हो गया। तो ऐसे ही देखिए आपका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा बिल्कुल सेम टू सेम आपका ऐसे ही होने वाला है। फिर देखिए उसके बाद हम इसमें देखिए तीसरी चीज़ देखते हैं कि आपका जो कट ऑफ है इसको प्रभावित करने वाले आखिर कारक कौन से, आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ से कम जाएगा। तो देखिए पहले तो आपका जो फेस का एग्ज़ाम हुआ, फेस फर्स्ट और आपका फिफ्थ फेस, यानी कि जो पहले आपका फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम हुआ वो, और उसके बाद देखिए जो आपका लास्ट 5 फेज में एग्ज़ाम हुआ, यानी कि एक आते हैं आपका 5 फेज में हुबली जोन। तो हुबली जोन में देखिए जो आपके दोनों फेस हैं इसमें जो आपका कट ऑफ है वो कम जाएगा। आखिर कम क्यों जाएगा इसका भी देखिए हम पूरा आपको डिटेल देंगे। और उसके बाद देखिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ फेज का जो एग्ज़ाम हुआ इसका कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। तो इसका देखिए ज़्यादा क्यों जाएगा इसका भी आपको हम पूरा इसमें डिटेल देंगे। फिर देखिए आपका सेकेंड आता है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस देखिए तो लगभग यहाँ कैंडिडेट ने आपके लगभग देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में देखिए जो वैकेंसी आई थी उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई फॉर्म काफ़ी ज़्यादा करे गए थे, लेकिन उसके बाद देखिए जो 2019 में वैकेंसी आई तो वैकेंसी के बाद देखिए यहाँ जितने फॉर्म आए आपके लगभग 2018 का उल्टा यहाँ पर हुआ, यानी कि अपोजिट हुआ। तो उस हिसाब से आपका जो फॉर्म आया यहाँ पर तो लगभग आपके 125 करोड़ ही यहाँ पर जो अप्लाई फॉर्म है वो किए गए। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा है जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने का यहाँ पर अटेम एग्ज़ाम दिया वो उनका परसेंटेज जो है आपका अटेंडेंस का लगभग आपका देखिए ज़्यादा नहीं बनना है, 40 आपका बनना है, 45 बनना है, लगभग आपका 35 भी बनना है। तो इतना यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस है उसका यहाँ पर परसेंटेज बनना है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया आपको जो कट ऑफ है वो आपका कम जाने है।
फिर देखिए उसके बाद थर्ड आता है। थर्ड देखिए साइंस के जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर कठिन आए थे, लगभग इतने टफ क्वेश्चन आए थे कि ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पर अटेम्प ही नहीं कर पाए। मैथ आपने अटेम्प कर लिया, रीजनिंग अटेम्प कर लिया, लेकिन उसके बाद जो साइंस के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर अटेम्प नहीं हुआ। दूसरा सेकेंड देखिए इसमें है आपका जीके, जीके आपके देखिए उसके बाद देखिए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपका जो आया था लगभग 2019, 20 और 21 इन तीन आपका जो पिछले 3 ईयर्स का आपका जो करंट अफेयर था वो यहाँ पर पूछा गया, तो इस वजह से उस टाइम का आपका पूछा गया और आपको लगा 2022 में एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है आपका पिछला आपका लास्ट 1 ईयर का ही इसमें करंट पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने पिछले 3 ईयर्स का जाके उन्होंने करंट पूछा, तो इसलिए कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। फिर देखिए उसके बाद जोन वाइज एग्ज़ाम होना, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो जोन वाइज हुआ और लगभग जितने भी आपके 16 जोन है यहाँ पे सभी का एग्ज़ाम है अलग अलग हुआ, यानी कि फेज़ वाइज हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपका देखिए एग्ज़ाम है वो अलग अलग हुआ। उसके बाद देखिए आपका थर्ड फिफ्थ नंबर आता है यहाँ पर, तो फिफ्थ नंबर देखिए तो नॉर्मलाइजेशन ना होकर यहाँ परसेंटाइल स्कोर हो गया, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होता तो यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ये देखिए आपका अगर 50 है यहाँ 10 नंबर आपके बढ़ गए तो लगभग 65, लेकिन देखिए जो कैंडिडेट अगर उसके 75 किसी के बनना है उसमें अगर हम 10 प्लस कर दें तो आपका हो गया 85, तो जो कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर कम था उसका ज़्यादा हो गया, जिसका पहले ज़्यादा था उसका और ज़्यादा हो गया। और कुछ देखिए आपके कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा हैं और उसके बाद जो कैंडिडेट थे उनके जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें मार्क्स पिछले बार ऐसा होता था कि यहाँ पर कम भी किए गए थे, तो ये चीज़ ऐसी ही थी, इस वजह से आपका देखिए अब जो आपका परसेंटाइल स्कोर होना है तो ये भी देखिए ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें देखिए आपका सिर्फ एक एवरेज मार्क्स जो सबसे ज़्यादा वो लिया जाएगा और वहीं से आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को बनाया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, तो ये आपका एक रीज़न हो गया कि आपका कट ऑफ कम जाने का। फिर देखिए लास्ट आता है कैटेगरी, तो कैटेगरी देखें तो जैसे आपकी 5 कैटेगरी है, आपकी जनरल है, ओबीसी है, एडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, तो इस वजह से आपका देखिए जो कट ऑफ है नीचे जैसे जैसे आपकी कैटेगरी नीचे आती जाएगी आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम होता जाएगा, तो एक ये भी आपका रीज़न होता है कि आपका जो कट ऑफ है वो आखिर कम क्यों जाएगा। फिर देखिए इसमें आता है आपके फेस वाइज एवरेज मार्क्स, तो फेस वाइज एवरेज मार्क्स देखिए तो आपका देखिए फेस वाइज जो एवरेज मार्क्स बना है वो देखिए बना है फेस वन में आपका 49 यहाँ पर एवरेज मार्क्स बना है, तो इतना देखिए आपका बना है। उसके बाद देखिए आपका फेज़ टू में देखिए तो आपका 51 एवरेज मार्क्स बना है। फिर देखिए थर्ड आता है, तो थर्ड में आपका बना है एवरेज मार्क्स 50 और फेस फोर की देखिए आपका बना है 53। फिर देखिए फेस फाइव के तो आपका एवरेज मार्क्स बना है 45। देखिए इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि आपका फेस वन और फेस फाइव में जो आपका कट ऑफ जाएगा वो आखिर कम क्यों जाएगा। यहाँ पे एवरेज मार्क्स देखिए तो आपका कम बना है, लगभग देखिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 17-18 को देखिए आपका एग्ज़ाम जो हुआ था उस दिन जो कैंडिडेट थे उनका देखिए उन्होंने वहाँ पर उनका जो स्कोर था वो काफ़ी कम बना, ठीक है, क्योंकि उनको सबसे पहले तो उनका एग्ज़ाम हो गया, उनको ये नहीं समझ में आया एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, सब कुछ पहले दिन वाले कैंडिडेट को ये समझ में आया क्योंकि उस दिन का जो आपका 17-18 को एग्ज़ाम हुआ था वो ज़्यादा कठिन था, लेकिन उसके बाद जो बाद में आपके फेस वन में जो बाद में आपके कैंडिडेट थे उन्होंने आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो वहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना जो मार्क्स है वो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा बना लिया, लेकिन उसके बाद जो पहला आपका हुआ उसके बाद देखिए जो आपका 17-18 को हुआ तो ये थोड़ा कठिन था, इस वजह से जो इस आपके डेट के कैंडिडेट थे उनका जो रो मार्क्स था यहाँ पर कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनका बाद में जो कैंडिडेट थे तो वो यहाँ पे पूरा एडजस्ट कर लिया। फिर देखिए आपके फेस सेकंड में आपका जो रो मार्क्स बना एवरेज वो बना आपका 51 और फेस थ्री में आपका हो गया 50, फेस फोर में आपका 53, तो लगभग ये तीनों जोन जो हैं आपके इसमें देखिए आपका जो एवरेज मार्क्स है ये आपका यहाँ काफ़ी अच्छा बनना है, तो इसीलिए हमने आपको बोला कि फेस वन और फेस आपका फाइव है यहाँ पे ज़्यादा जाएगा और इसके बाद तीन जो आपके फेस वस्ते इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपका कम जाएगा। फिर देखिए उसके बाद जो आपका फेस फाइव आता है, फेस फाइव देखिए तो हुबली जोन है, हुबली जोन की बात करें तो देखिए जो आपकी शिफ्ट थी फर्स्ट डे की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो देखिए आपकी इजी आई थी, लेकिन उसके बाद जो देखिए आपकी सेकंड शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट थी
वो देखिए बिल्कुल भी इजी नहीं थी, वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा टफ थी, क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चन जो थे आपसे बहुत ही ज़्यादा टफ पूछे गए थे। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो वो आपकी इजी थी, लेकिन सेकेंड और थर्ड तो नहीं थी। तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है आपका फेज फाइव का, उसमें जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो इसीलिए यहाँ पर कम बनना है। तो इसमें पूरी देखिए हमने आपको डिटेल दे दी कि आखिर जो आपका मार्क्स है वो कम क्यों जाएगा, उसके बाद देखिए फेस वाइज भी हमने आपको बता दिया कि आपका जो मार्क्स है वो आखिर कम क्यों जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हमारा आता है आपका फाइव फेज, आपका जो सेफ जोन हमने फाइव लिए हैं वो देखिए। तो पहले देखिए हमने लिया है इसमें गुवाहाटी जोन, तो गुवाहाटी जोन देखिए तो इसमें देखिए एवरेज मार्क्स जो आपका बनना है वो बनना आपका 43। फिर आपका आता है देखिए बेंगलुरु जो, और बेंगलोर की बात करें तो इसमें जो एवरेज मार्क्स बनना है वो भी आपका बनना है 43। और उसके बाद देखिए हुबली जोन, तो हुबली जोन में देखें तो आपका जो एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना आपका 44। और सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में आपका जोन जो है उसमें देखिए आपका बनना है 44। और उसके बाद देखिए जो आपका बिलासपुर आता है और उसके बाद भुवनेश्वर जोन, तो बिलासपुर की बात करें तो देखिए आपका, तो देखिए आपका बिलासपुर जोन हुआ और इसमें देखिए एक आपका हुआ भुवनेश्वर जोन, तो इसमें देखिए एवरेज मार्क्स जो बनना है वो बनना आपका 47। तो इतना देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा कम बनना है। तो इतना देखिए आपका ये जो टॉप आपके फाइव सेफ जोन हो गए इसमें एवरेज मार्क्स आपका कम बनना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो इस जोन में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं कि यहाँ पर इतना एवरेज मार्क्स बनना है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। फिर आपका देखिए आता है इसमें पटना जोन, फिर देखिए आपका यहाँ पर आता है फाइव आपके डेंजर जोन है। तो देखिए इसमें पहले जो आपका आता है पटना जोन यानी कि हाजीपुर जोन, तो हाजीपुर जोन में देखिए तो आपका देखिए यहाँ पर जो मार्क्स बनना है एवरेज मार्क्स वो देखिए आपका बनना है 66। उसके बाद देखिए अगर बात करें हम अजमेर जोन यानी कि जयपुर जोन की, तो यहाँ पर देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना है यहाँ पर 55। तो इसके बाद देखिए चंडीगढ़ जोन यानी कि आपका न्यू दिल्ली जोन है, और न्यू दिल्ली जोन देखिए तो आपका यहाँ पर एवरेज मार्क्स बनना है 54। फिर देखिए आपका आता है अलाहाबाद जोन, तो अलाहाबाद देखिए तो यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना है यहाँ वो बनना देखिए आपका 53। और उसके बाद देखिए गोरखपुर जोन और रांची जोन, रांची जोन यानी कि आपका SR SER आपका कोलकाता जोन है, तो इसमें देखिए जो एवरेज मार्क्स आपका बनना है वो बनना आपका 53। तो इतना देखिए जो आपके टॉप हमने जो आपके सेफ जोन थे उसमें आपका एवरेज मार्क्स बताया। फिर उसके बाद देखिए जो आपके टॉप आपके डेंजर जोन थे उसमें आपका एवरेज मार्क्स बनना है। तो लगभग अगर सबसे ज़्यादा देखें तो जो आपके पटना जोन के कैंडिडेट थे यानी कि हाजीपुर जोन के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया जब उनका एग्ज़ाम हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि उन्होंने जब गए उनका लेवल एग्ज़ाम का लेवल इतना अच्छा आया कि उन्होंने यहाँ देखिए 66 यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकल के आपका आ रहा है। फिर सेकेंड में देखिए आपका अजमेर जोन आता है, अजमेर जोन में भी कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया यहाँ पर देखिए आपका 55 यहाँ पर एवरेज मार्क्स बनना है। फिर देखिए अगर हम इसमें आर जोन वाइज आपके एवरेज मार्क्स देखें, तो देखिए एवरेज मार्क्स की बात करें तो लगभग जितने आपके जो हमने टॉप फाइव आपके सेफ जोन बताए, आपके टॉप फाइव डेंजर जोन बताए, इसके बाद जितने भी आपके अदर जोन बचते हैं देखिए उसमें जो कैंडिडेट आ रहा है वो अपने आप को बिल्कुल समझे, उसमें जो आपका एवरेज मार्क्स है वो बिल्कुल अच्छा जा रहा है और इसमें आपका सेलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए आपके अगर हम ऑल जोन वाइज आपका एवरेज मार्क्स देखें, तो देखिए चेन्नई की बात करते हैं, तो चेन्नई में आपका जो एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना आपका 52। फिर उसके बाद देखिए आपका मुंबई जोन आता है, तो मुंबई जोन की बात करें तो देखिए आपका जो इसमें मुंबई जोन है इसमें जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना है आपका 51। और ये देखिए आपका जो मुंबई जोन है ये आपका है CR मुंबई जोन। फिर देखिए सिकंदराबाद जोन, तो सिकंदराबाद जोन का एवरेज मार्क्स देखें तो ये बनना है आपका 45। हुबली जोन की बात करें तो हुबली जोन में देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना है आपका 44। और उसके बाद देखिए मुंबई जोन यानी कि आपका WR मुंबई जोन है यानी कि अहमदाबाद जोन, तो इसमें जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना है आपका 45। फिर आपका देखिए न्यू दिल्ली जोन यानी कि चंडीगढ़ जोन देखिए, तो आपका चंडीगढ़ जोन यानी कि न्यू दिल्ली जोन, तो इसमें देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना है आपका 54। और फिर देखिए आपका आता है अलाहाबाद जोन, और अलाहाबाद जोन देखें तो आपका देखिए एवरेज मार्क्स बनना है यहाँ पर 53। फिर
फिर देखिए आपका आता है जयपुर जोन, और जयपुर में देखिए अजमेर जोन है, तो अजमेर जोन की बात करें तो यहाँ एवरेज मार्क्स आपका बनना है 55+। और उसके बाद देखिए हाजीपुर जोन, तो हाजीपुर की बात करें तो देखिए आपका जो हाजीपुर जोन है ये आता है आपका पटना जोन, और यहाँ पर देखिए एवरेज मार्क्स बनना है आपका बनना है 66। उसके बाद देखिए आपका आता है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर की बात करें तो आपका एवरेज मार्क्स यहाँ पर बनना है 47। और भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर जोन देखिए आपका जो एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना आपका 47। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की जोन देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना आपका 52। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जोन में देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो बनना आपका 53। फिर देखिए आता है आपका गुवाहाटी जोन, और गुवाहाटी जोन में एवरेज मार्क्स देखें तो वो देखिए आपका बनना है 43। फिर देखिए आपका आता है SER आपका कोलकाता जोन, यानी कि आपका रांची जोन, तो रांची जोन में देखें तो आपका एवरेज मार्क्स जो बनना है वो बनना आपका 53। और जबलपुर जोन देखें तो देखिए जबलपुर जोन में जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है यानी कि आपका जो भोपाल जोन है, तो यहाँ पर देखिए एवरेज मार्क्स आपका बनना है 48। तो लगभग आपके जितने 16 जोन थे सभी का हमने यहाँ पर एवरेज मार्क्स बता दिया कि आपका इतना एवरेज मार्क्स बनना है। तो बिल्कुल आपको लगता है कि हमारा इतना एवरेज मार्क्स है, और इससे भी आपका जितना भी ज़्यादा हो, आपका कम हो तो थोड़ा चांस कम है, लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा एवरेज मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल PET की तैयारी आपको करनी है नहीं करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए इससे जो आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपका जो कट ऑफ है, यानी कि आपका फॉर PET के लिए जो कट ऑफ है रो मार्क्स है वो यहाँ पर कितना जा रहा है। फिर भी अगर हम देखें एक एवरेज लेके चलते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर 55 से आपका 58+ ही जाने के चांसेस है आपका UR कैटेगरी, यानी कि आपकी जनरल कैटेगरी। फिर देखिए उसके बाद सेकंड जो आपका आता है OBC की बात करें तो आपका देखिए 53 से आपका 55+ जाने की ही चांसेस है। और इसके बाद देखिए EWS की बात करें तो इसके बाद देखिए आपका आता है यहाँ पे 52 से आपका 54+। और इसके बाद देखिए आपकी SC कैटेगरी आती है, तो SC कैटेगरी देखें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52। और ST देखें तो लगभग यहाँ पर आपका देखिए 50 से आपका इससे भी देखिए आपका 48 बनना है ST कैटेगरी, तो भी यहाँ बिल्कुल आप PET की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए हमने आपको फेस वाइज बता दिया, उसके बाद देखिए कैंडिडेट का यहाँ पर कितना रो मार्क्स बनना है, उसके बाद देखिए आपका एवरेज मार्क्स कितना बनना है, जितने अभी आपके लगभग 16 जोन है उसमें एवरेज मार्क्स कितना बनना है, आपके टॉप 5 सेफ जोन है, उसके बाद टॉप आपके डेंजर जोन है उसमें आपका एवरेज मार्क्स कितना बनना है, आपका नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, उसके बाद परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा ये भी देखिए हमने आपको बता दिया। शिफ्ट वाइज आपका आपको देखना है शिफ्ट वाइज तो आप हमारी दूसरी वीडियो पे जाके देखिए, वहाँ पे हमने एक एक जोन की आपकी शिफ्ट बताई है कि इसका आपका एवरेज मार्क्स शिफ्ट वाइज कितना बनना है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैंडिडेट अभी तक वेट कर रहे हैं कि मैं PET की तैयारी करूँ या ना करूँ, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम मैं PET की तैयारी स्टार्ट करूँ, मेरे इतने मार्क्स पे हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, फाइनल होगा। देखिए फाइनल अभी छोड़िए, बिल्कुल अभी आप बिल्कुल अपनी PET की तैयारी है वो स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है, आपका रिजल्ट है आने के पूरे चांसेस यहाँ बन रहे हैं, कभी भी आपका रिजल्ट है वो आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर PET की तैयारी स्टार्ट करिए, आपके इतना जो एवरेज मार्क्स है ये देखिए बिल्कुल आपका निकल के जो आ रहा है यही आपका एवरेज मार्क्स है, और कट ऑफ जो आपका बिल्कुल ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। कट ऑफ कम क्यों जाएगा इसका भी देखिए हमने पूरा रीजन आपको बता दिया। तो बिल्कुल आप PET की तैयारी स्टार्ट अब तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कितना एवरेज मार्क्स, आपका रो मार्क्स कितना, परसेंटाइल स्कोर कितना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जोन कौन सा है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।